हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन किसी PSU में होता है एज ए CMA ट्रेनी, तो आपको ऑफर लेटर किस तरीके से आ सकती है। जैसे मेरा सिलेक्शन ONGC में हुआ था एंड नेशनल टेक्सटाइल में हुआ था, तो नेशनल टेक्सटाइल में जो मुझे ऑफर लेटर मिला था वो मेल फॉर्म में नहीं मिला था, वो मुझे हार्ड कॉपी में मिला था। बट ONGC विदेश में मुझे मेल फॉर्म में ऑफर लेटर मिला था। सो मैं आपके साथ ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे वहाँ से मेल आया, डियर वन अटैच प्लीज फाइंड ए लेटर फ्रॉम ONGC विदेश विथ रिस्पेक्ट टू योर इंगेजमेंट एज ए CMA ट्रेनी। आपको प्रॉपर मेल आएगा एंड मेल में सारी चीज़ें आपको लिखी होगी, और ये ऑफर लेटर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं आपको ऑफर लेटर भी दिखाता हूँ उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सो यू रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिवर्ट बैक एट द मेल ID गिवन इन द अटैच्ड लेटर एज सुन एज पॉसिबल। यानी आपको अपने एक्सेप्टेंस एज सुन एज पॉसिबल देना है। यू मे ज्वाइन आइदर बिफोर और ऑन 13th अगस्त 2018। ओके सो अब ऑफर लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो ऑफर लेटर जो मुझे मिला था ONGC विदेश नेल्सन मंडेला मार्ग बसंत कुंज में हेड ऑफिस है वहां से। यहाँ पे मेरा नाम, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, सब्जेक्ट इंटर्नशिप ऑफ CMA ट्रेनीज एट ONGC विदेश फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए मुझे एज ए CMA ट्रेनी यहाँ पे काम करना है। इसमें आप देख सकते हो वी हैव pledged to inform that you have been selected for internship as a CMA trainee in ONGC Videsh based on your performance in the interview held on 2nd August 2018. The terms and conditions of the training are as under. The training will be for a period of 1 year from the date of joining. मतलब 1 ईयर के यहाँ पीरियड होगा, ना एक्सटेंड होगा और ना कम होगा। द ट्रेनिंग विल बी फुल टाइम असाइनमेंट एट यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द जॉब्स असाइनमेंट बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। ए मंथली स्टाइफन ऑफ 12,000 विल बी पेड टू यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यू विल नॉट बी इंटाइटल फॉर एनी अदर बेनिफिट व्हाट्स एवर एंड नो ट्रेवल एक्सपेंसेस शैल बी पेड। मतलब जो भी आपको मिलेगा इन टोटल 12,000 मिलेगा, इसके अलावा कोई एडिशनल चीजें आपको नहीं पे की जाएगी। द ट्रेनिंग शैल नॉट क्रिएटेड एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ ONGC विदेश टू कंसिडर यू फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट इन ONGC और ONGC विदेश। मतलब ये ट्रेनिंग से आपको ONGC और ONGC विदेश में कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन ONGC के ऊपर क्रिएट नहीं होती है। रूल्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी विल बी बाइंडिंग ऑन यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू एबिड बाय द सेम एंड मेंटेन डेकोरम व्हाइल डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज। ओके कंपनी के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। ONGC विदेश रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट ऑफ योर ट्रेनिंग विदाउट एनी नोटिस ऑन रिव्यू ऑफ योर परफॉर्मेंस। लीव विल बी गिवन एज पर ICMA गाइडलाइंस, यानी इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको लीव मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें इस लेटर में होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी HR का नाम, मेल ID और डिटेल्स मेंशन होती है, तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ऑफर लेटर के टाइम में मेंशंस होगी, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से ऑफर लेटर मिलता है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।